तो इसमें कतई नहीं है, ऐसी कोशिश की नहीं है, दोस्ती के ही उसमें है। और चाहे हिंदुस्तान या पाकिस्तान की बात हो, मैं तो पूरे मुल्क पूरे वर्ल्ड की बात करता हूँ, पूरे वर्ल्ड में वो सद्भाव सद्भावना पैदा हो, ये फिल्म उसकी बात करती है। चूँकि वर्दी पहन रखी है, चूँकि सिपाही तो सिपाही क्या प्रेम की बात नहीं कर सकता, सेटिंग है वो, अपनी अपनी सेटिंग्स होती हैं सबकी, फिल्म वहाँ सेट है तो सिपाही है, इसीलिए फिल्म थोड़ी डिफरेंट भी हो जाती है कि सिपाही जो जो हमको समझ में आता ना कि हार्डकोर पत्थर दिल और वैसा, बहुत ही सुंदर था, मुझे बहुत मज़ा आया काम करने में। और सब्जेक्ट टफ या वैसा, मतलब उस भाषा में मैं कैसे बताऊँ इसको, बड़ी प्यारी सी स्टोरी है। और सारे ही जो हम लोग कलाकार हैं इसमें जो इतने जुड़े हुए थे इस फिल्म के साथ कि कब हो गई है हमें एक्चुअली पता ही नहीं चला। टफ तो कतई नहीं कहूँगा, मुझे तो बहुत मज़ा आया यार ये फिल्म में फिल्म करने, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। इसकी कहानी, इस फिल्म की कहानी वो कुछ अलग ही थी, जब पहले दिन ही सुना तो उससे दिल जुड़ गया, तो जब इसकी कहानी सुनी और इसका जो बेसिक थॉट है कि मुझे आपको जब भी मारनी है, मुझे आपसे गले मिलना है, जब वो बेसिक थॉट है तो उस थॉट को करेक्ट जहनियत विजय मनुऋषि सोचा जाता था और उस चीज़ को अगले दिन हम लोग एग्जीक्यूट करते थे, तो ये एक निहायत ही जीवित फिल्म है। विजय जी आपसे जानना चाहेंगे कि गुलजार साहब ने इस फिल्म में लिरिक्स दिया है, तो किस तरह का जादू होने वाला है शायराना अंदाज में? जादू को तो बताया नहीं जा सकता, वो तो देखना पड़ता है, भावना जब जादू देखोगे तो वो दिखेगा जादू। तो इस फिल्म में ऐसा है, कुछ अदिखा है जिसको देखा नहीं जा सकता, जिसको महसूस किया जा सकता है और जिया जा सकता है। तो जब आप फिल्म देखेंगे तो दैट मैजिक विल रीच यू। To know more about your favorite superstar, subscribe to Bollywood Wala now and hit like if you like this story.